आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बदलता भारत, और ये मेरी स्वयं लिखित कविता है, छोटा सा प्रयास है। मेरे विचारों में यह केवल एक कविता नहीं अपितु यह उन लाखों या फिर कहें तो करोड़ों लोगों की जुबान है जिसे भीड़ के द्वारा हो रही हत्याओं ने बेजुबान कर दिया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो उम्मीद करूंगा कि ये कविता आपके दिल को छू जाएगी। तो शुरू करते हैं कि आओ आज मैं तुम्हें एक नई दास्तां सुनाता हूँ, आंसुओं की गंगा में स्नान तुम्हें कराता हूँ। आओ आज मैं तुम्हें एक नई दास्तां सुनाता हूँ, आंसुओं की गंगा में स्नान तुम्हें कराता हूँ। मेरे देश का कुछ मिजाज ही ऐसा है यारों, आओ मैं तुम्हें बदलते हिंदुस्तान से मिलाता हूँ। आओ मैं तुम्हें बदलते हिंदुस्तान से मिलाता हूँ कि मंगल पे लहरा के तिरंगा सिर शान से उठाते हैं। मंगल पे लहरा के तिरंगा सिर शान से उठाते हैं और सियासत की रोटियों पे लाशों के ढेर बिछाते हैं। सियासत की रोटियों पे लाशों के ढेर बिछाते हैं। जिस सत्याग्रह की धरती को बलिदानों से सींचा था कभी, आज उसी सोने की चिड़िया को हम लहू से नहलाते हैं। आज उसी सोने की चिड़िया को हम लहू से नहलाते हैं। माना देश की जीडीपी आज थोड़ी ऊंची है, माना देश की जीडीपी आज थोड़ी ऊंची है, तो क्या देश के विभाजन की ये कोई नई सी सूची है। चुनाव है तो जाति भी है, बजरंग की बताते चलो राम की किसने पूछी है। बजरंग की बताते चलो राम की किसने पूछी है। आगे आने वाली पंक्तियां केवल इतिहास के गौरवपूर्ण क्षणों को याद दिलाने के लिए कहूंगा कि वह लकुटी वाला गांधी भी तो डांडी लेके निकला था। वह लकुटी वाला गांधी भी तो डांडी लेके निकला था, तब भी क्या समाज ने इंसानियत को निगला था। तब भी क्या समाज ने इंसानियत को निगला था। अरे भगत सिंह ने भी तो संसद पे वो बम के गोले दागे थे। भगत सिंह ने भी तो संसद पे वो बम के गोले दागे थे। तब भी क्या नम आंखों में मजहब के बंटवारे थे। अरे अशफाक उल्लाह की भक्ति पे क्या तुमको संदेह है। अशफाक उल्लाह की भक्ति पे क्या तुमको संदेह है। फिर क्यों चौराहों में दहकती उन मासूमों की देह है। क्या गाय के हत्यारों के कोई पुख्ता सबूत थे। क्या गाय के उन हत्यारों के कोई पुख्ता सबूत थे। फिर क्यों कानून के लंबे हाथ हुए निस्तनाभूत थे। फिर क्यों कानून के लंबे हाथ हुए निस्तनाभूत थे। सुन लो तुमको आज भारत माँ का रुदन सुनाता हूँ। आओ मैं तुम्हें नए हिंदुस्तान से मिलाता हूँ। आओ मैं तुम्हें नए हिंदुस्तान से मिलाता हूँ। चंद पंक्तियों के साथ अंत करना चाहूंगा कि सेना पे मरते सैनिक की कोई बात नहीं होती और उनके परिवारों की सुख में कोई रात नहीं होती। अक्सर जल जाते हैं कई शहर दंगों में क्योंकि जालिम भीड़ की अपनी कोई जात नहीं होती। ये सवाल आज मैं जमाने से करता हूँ कि क्या इस विद्रोह की आंधी में हम एकता के चिराग जलाएंगे। क्या इस विद्रोह की आंधी में हम एकता के चिराग जलाएंगे। क्या अपनों को मारते मारते ही हम कश्मीर को बचाएंगे। क्या अपनों को मारते मारते ही हम कश्मीर को बचाएंगे। भारत माँ की विडंबनाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। आओ मैं तुम्हें बदलते हिंदुस्तान से मिलाता हूँ। आओ मैं तुम्हें बदलते हिंदुस्तान से मिलाता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।